इस वीडियो में हम रीजनिंग के एनालॉजी से जुड़े पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला है, जो सारे क्वेश्चन लगातार जो है सीजीएल के एग्जामों में आपका रिपीट होता आ रहा है ना, आगे भी रिपीट होता रहेगा फ्रेंड्स। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक इसी ट्रिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाए, एज इट इज क्वेश्चन अगर ना भी पूछा जाए लेकिन इस ट्रिक से जो है बहुत बार क्वेश्चन बना है एंड आगे भी बनता रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं इन सारे ट्रिक को कैसे जो है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल से ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, देख सकते हैं कि जो है सीजीएल 15 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, 9:15 है एंड यहाँ पे 2:2 है, आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। कभी भी अगर 2:2 रहे तो हमेशा आपको जो है इन दोनों में से ही जो है आपको कोई ना कोई रिलेशन आपको फाइंड करना होगा। तो इन दोनों में से क्या रिलेशन कुछ आ रहा है, यहाँ पे आप 9:5 करेंगे तो आगे कितना 45 एंड इसके साथ अगर दोबारा 5 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 15। ठीक है, यहाँ पे यही ट्रिक अप्लाई होता है हमेशा। यहाँ पे जो है कभी भी अगर ज़्यादा बड़ा आ जाए तो जो है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद या तो एडिशन होगा या तो जो है आपका सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक, यहाँ पे ये जो पहले वाले के साथ आपका 5 मल्टीप्लाई हुआ है उसके साथ जो है 5 का ऐड हुआ है, ठीक उसी तरह यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको जो है चूज़ करना होगा कौन से ऑप्शन में ऐसा कुछ हो रहा है। तो पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, ये 100 आ गया। इसको अगर 5 और भी 5 ऐड करें तो ये आ जाएगा 105, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला आंसर बन सकता है। लेकिन कभी भी अगर पहले ही जो है ऑप्शन आपका आंसर आ जाए तो उसे अगर ए बी बोथ ट्रू है ऐसा कुछ ना रहे तो आप उसे टिक कर लीजिएगा। अगर कहीं पे अगर लिखा रहे ए बी बोथ ट्रू है तो आप थोड़ा बहुत बाकी सारे ऑप्शन को भी देख ज़रूर लेना है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 ही आ जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। 18 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है यहाँ पे 190 आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा एंड ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ से ये वाला ही जो है आपका पहले वाला जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सकते हैं कि ठीक उसी ट्रिक को अप्लाई करके 2014 में जो है और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी ट्रिक को ही देखिएगा। यहाँ पे 7 हो रहा है, 7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 21, 21 के साथ अगर 3 को अगर ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 24। ठीक इसी ट्रिक को देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है एंड कौन आपका ऑप्शन आंसर सही आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को देखिए, 23 × 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 69 एंड 69 के साथ अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा नंबर आता है तो इसको ही जो है आपको मल्टीप्लाई एंड एडिशन करके ही जो है आंसर आपका निकलता है, तो यही आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो है सीजीएल के 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है ये। अगर एफ डिनोट करे 216 जो है 216 को तो एल किसको डिनोट करेगा। इससे पहले मैंने जो है आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही करा है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एफ जो आता है आपका अल्फाबेट सीरीज में कितने नंबर में आता है, एफ एफ आपका आता है 6 नंबर में। अब ये 6 से कैसे क्या कुछ ये आ रहा है, अगर 6 का आप क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216 जो है, ये आपका 6 का क्यूब होता है। ये आपको क्यूब एंड जो है स्क्वायर रूट सारे आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर जगह पे आप मैथ्स में भी काम आएगा एंड जो है आपका रीजनिंग में भी काम आएगा। ठीक उसी तरह एल की अगर बात किया जाए तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है एंड एल का अगर आप क्यूब करेंगे तो किया आ जाएगा ये 17 / 28 आता है। एल का क्यूब जो होता है ये आपका 12 का क्यूब जो होता है आपका ये 17 / 28 होता है। तो यहाँ से जो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में आपका 17 / 28 होगा, तो यहाँ से आपका 17 / 28 जो है करेक्ट एक्शन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बाकी सारे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है इसलिए ऑप्शन यहाँ पे लेने हैं, लेकिन पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेड अगर इम्प्लाइज करे 25 को तो नंबर किसको इम्प्लाइज करेगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन देख के आप क्या करते हैं, पहले आपको ये कितने अल्फ़ाबेट में हैं ये सारे आपको फाइंड करने लग जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना है यहाँ पे कितने सारे नंबर्स हैं, कितने सारे अल्फ़ाबेट है, ये सारे अल्फ़ाबेट के एक बार ज़रूर गिन लेना क्या कितना है। यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है एंड इधर कितना है, इधर आपका 6 अल्फ़ाबेट है। ये पे क्या है, ये 5 अल्फ़ाबेट, इस 5 से क्या कभी यहाँ पे जो है 25 आ रहा है किसी भी तरीके से, तो हाँ आ रहा है। इस 5 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा कितना 25। ठीक उसी तरह यानी कि यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क में कितना होगा, ये होगा आपका 36।
तो यहाँ पे ये 36 बन जाएगा। फिर आप पहले क्या करते हैं, पहले जो है जी कितने नंबर पे, उस नंबर से लेके आप कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम थोड़ा बहुत लगेगा ज़रूर, लेकिन आप फाइंड ज़रूर कर लो, इतना उम्मीद है। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है तो फाइंड ज़रूर कर पाओगे। चलिए अब जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही जो है ट्रिकी तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, PST जो है इसका जो है वैल्यू दिया गया है, वन दिया गया है, आपको NPR का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो P कितने नंबर में आता है आपका, ट्रिक को जान लीजिए, 16 नंबर पे आता है। मुझे उम्मीद है कि आगे जो है 2019 में या फिर 20 में जो है इस ट्रिक के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले इस ट्रिक से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, आप जो है इस ट्रिक से भी पूछना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 16 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे ये जो है एस आपका कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आपका एस आता है। उसके बाद आपका 20 कितने नंबर पे आता है, जो है टी आता है आपका 20 नंबर पे टी आता है। अब इन सारे को ऐड कीजिए, ऐड करने से ये कितना आएगा, ए फाइव यानी 55। इस 55 को फिर से ऐड कीजिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो है आपके बैंकिंग के एग्जामों में रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 10। इस 10 को फिर से जो सारे अल्फाबेट हैं, सारे जो नंबर से नंबर को ऐड कीजिए, ये वाले नंबर को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 1। एंड यहीं से आ रहा है आपका ये वाला 1। अब ठीक उसी तरह NPR को जो है आप ऐड करिए, N आता है आपका 14 नंबर पर, जो आता है P आता है आपका 16 नंबर पर, एंड R आता है आपका 18 नंबर पर। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 जो है 18 का 4, 18 का 8, एंड इधर आ गया आपका 4, 48। अब 48 को जोड़ दीजिए यहाँ पे 4 एंड 8 को, तो आ जाएगा ये 12 जो है इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा 3। एंड इसका सही आंसर जो बनेगा ये 03 बनेगा, एंड 03 आपके ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। एंड इस ट्रिक से जो है आगे बहुत ही क्वेश्चन बनने वाला है फ्रेंड्स, तो इस ट्रिक को आप याद ज़रूर रखिए कि इस तरीके से भी जो है आपका रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतने ही, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।